कर्ज माफी को लेकर दुष्प्रचार और भ्रांतियां फैलाई जा रही है, जिनकी रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश शासन के अधिकारियों को गांव-गांव भेजकर कर्ज माफी की प्रक्रिया समझा रही है, वहीं किसानों की शंकाओं का समाधान कर रही, जिसको लेकर विदिशा जिले के पठारी में किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित समिति ने पठारी में किसान संवाद का आयोजन किया, जिसमें एमडी विनय प्रकाश सिंह ने कर्ज माफी की प्रक्रिया को गहनता से समझाया, जिसमें विनय प्रकाश सिंह ने कर्ज माफी की शंकाओं का समाधान करते हुए कहा कि अल्पकालीन और मध्यकालीन परिवर्तित कर्ज माफी का मूल सूत्र यह है कि 31 मार्च 2018 के दिन जिन किसानों का बैंकों के खातों में जितना कर्ज दर्ज है वह 2 लाख रुपए तक माफ किया जाएगा, जिसके लिए कांग्रेस सरकार वचनबद्ध है। कुरवई से आशीष सहले की रिपोर्ट। फसल ऋण माफी की जो अभी तक किसानों के लिए भ्रांतियां थी, वो आज जिले से जो अधिकारी आए थे श्री प्रभारी मंत्री जी के आदेश अनुसार, आज उन्होंने पूरी बातें स्पष्ट कर दी है। अभी तक जो किसान सोच रहा था कि मेरी कर्ज माफी होगी नहीं होगी, तो आज उन्होंने आके बताया कि 1 रुपये से लेकर 50,000 तक की किस्त राशि पहले माफ हो चुकी है और 51,000 से 1 लाख तक की दूसरे द्वितीय चरण में माफ होगा, और 1 लाख से 2 लाख तक का कर्ज 2020 तक तृतीय चरण में पूरा माफ हो जाएगा, और आज के बाद जो हमारे यहाँ किसानों को जो मन में थी शंका वो सारी समाप्त हो गई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। झाबुआ जिले के राणापुर में विश्व आदिवासी दिवस